नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। आओ बच्चों, हम आज का नया पाठ शुरू करें। हमारा पाठ है कक्षा 8 का, विषय है भूगोल। पाठ का नाम है मानव संसाधन। बच्चों, मानव को साधारण शब्दों में हम मनुष्य कहते हैं। आपने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कि भूमि, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, पर इनका उपयोग तो मानव करता है और वो ये उपयोग अपने भले के लिए भी करता है और अपने देश के भले के लिए भी व समाज के भले के लिए भी। तो मानव भी एक संसाधन है। इस पाठ में हम मानव को संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती हूँ। आप सभी को पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में बना था। इस मंत्रालय का नाम इसी वर्ष 2020 में बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है और हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो बच्चों, इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक व जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो आओ बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करें। बच्चों, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वे लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र बहुत ही विरल हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवतीय वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो। चित्र 6.1, महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या। एशिया में रहते हैं पीले रंग के, यूरोप में रहते हैं संतरी रंग के, अफ्रीका में बैंगनी रंग के, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में नीले रंग, उत्तर अमेरिका में लाल, ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं हरे। बच्चों, इस चित्र को देख के आपको अंदाज़ा लग रहा है कि सबसे अधिक जो आपको यहाँ पे आकृति दिख रही है इंसानों की, वो एशिया के लोगों की दिख रही है, क्योंकि यहाँ पीला रंग सबसे अधिक है। उसके बाद आप देख सकते हो बैंगनी रंग अफ्रीका को दर्शाता है, तो एशिया के बाद कहीं ज़्यादा जनसंख्या है तो वह है अफ्रीका। उसके बाद सबसे कम आप देख सकते हो ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में लोगों की संख्या है। तो इस चित्र से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चित्र 6 देखें बच्चों। इस चित्र में ये दंड आरेख है। इस दंड आरेख से आपको पता चलेगा कि किस देश में कितनी अधिक जनसंख्या है। तो आप देख सकते हो इन 10 देशों के नाम। इन 10 देशों में ही 60% जनसंख्या विश्व की रहती है। इसमें चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान आदि आते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या का वितरण किस महाद्वीप में ज़्यादा है और किस देश में ज़्यादा है। तो चीन और भारत का जो दंड आरेख है वो सबसे अधिक लंबा है। आओ बच्चों, आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं बच्चों?
पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। बच्चों, जनसंख्या का घनत्व का सूत्र बच्चों याद रखिएगा, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। बच्चों, मैं आपको दो बच्चों की बातचीत बताती हूँ। इस चित्र में देखो बच्चों, ये लड़का कह रहा है जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वे कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों बच्चों? अब लड़की क्या कहती है सुने, वो कहती है क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। तो इस उदाहरण से आपको जनसंख्या का घनत्व समझ आ गया होगा कि संख्या वही है, बस कमरा जब कक्ष जो था उसका आकार छोटा था तब वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा लगती थी, वही जब कक्ष या कमरा बड़ा हो जाता है तो उन्हीं संख्या को हमें वो विद्यार्थी कम दिखाई देते हैं। तो बच्चों, अगर कक्ष बड़ा हो जाए और विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही रहे तो वह भवन या कक्ष हमें बड़ा दिखाई देता है या भरा हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। आओ बच्चों आगे बढ़ें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, आपको अभी बताया मैंने कि जनसंख्या कहीं ज्यादा है किसी देश में कम है, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण है, वही होते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन्हें हमने दो प्रमुख भागों में बांटा है, भौगोलिक कारक व सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक कारक की। भौगोलिक कारक के अंतर्गत 5 कारक आते हैं, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल व खनिज। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो बच्चों, ज्यादातर जनसंख्या हमारी हमेशा मैदानी इलाकों में ही पाई जाती है, जबकि पर्वतों और पठारों में लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। दूसरा कारक है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय क्षेत्र, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं क्योंकि ज्यादा अधिक गर्मी और ज्यादा अधिक ठंडी बर्दाश्त करने की हिम्मत सभी में नहीं होती है। अगला है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जहां मिट्टी उपजाऊ होगी वहां जनसंख्या रहना अधिक पसंद करेगी क्योंकि वहां कृषि अच्छी होगी। अगला है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल। अलवणीय जल किसे कहते हैं बच्चों? जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं पीने योग्य पानी, जो हमें नदियों से, तालाबों से, झीलों से मिलता है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि मरुस्थल वाले इलाकों में जनसंख्या कम रहती है क्योंकि वहां पानी उपलब्ध नहीं है। अगला है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हीरों की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, जहां खनिज मिलते हैं लोग वहां रहना पसंद करते हैं, और जहां खनिज नहीं मिलते हैं वहां जनसंख्या कम रहती है। ये थे हमारे भौगोलिक कारक।
अब हम बात करेंगे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक की। बच्चों, सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, आप सबको पता है जहाँ पर ये सब सुविधाएं मिलेंगी वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। अगला है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इनको रोजगार मिलता है, पैसे कमाने का साधन मिलता है और लोग यहाँ रहना इसीलिए पसंद करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले उपविषय की, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था बच्चों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों में 1970 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था बच्चों? इसका मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होने लगी। मतलब लोगों को भोजन मिलने लग गया और दवाइयाँ मिलने लग गई। उसके बाद लोग अपना सेहत का ध्यान रखने लग गए, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला, जन्म दर। दूसरा, मृत्यु दर। तीसरा, प्रवास। बच्चों, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में इसे मापा जाता है। और मृत्यु दर? मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बच्चों, प्रवास के 2 प्रकार हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रवास के प्रकारों की वजह से लोगों को भी हमने 2 भागों में बांट लिया है, जैसे उत्प्रवासी और अप्रवासी। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? वे लोग जो देश को छोड़ते हैं। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे अप्रवास कहेंगे, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसे उत्प्रवास कहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ये है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। बच्चों, प्रवास के कारक हैं। पहला कारक है प्रतिकर्ष और दूसरा है अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक होता है जो आपको उस जगह को छोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, स्थानीय संघर्ष, गरीबी, सुविधाओं का अभाव, ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं।
और अपकर्ष कारक जो आपको उस शहर की तरफ खींचते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। आओ बच्चों, हम आगे बढ़े। मैं आपको जनसंख्या का संतुलन बताती हूँ। बच्चों, इस चित्र को देखो, चित्र 6.4। यहाँ पर आपको तीन तराजू दिख रहे हैं। पहला तराजू जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है, दूसरा तराजू जनसंख्या स्थिर है, और तीसरे में जनसंख्या में कमी दर्शाई जा रही है। आप देख सकते हो, पहले तराजू में मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। दूसरे तराजू में जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है, यानी कि जनसंख्या स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तीसरे में जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, इसमें मृत्यु अधिक हो रही है और जन्म कम हो रहा है, इसमें जनसंख्या में कमी दिख रही है, तो इसे कहेंगे हम जनसंख्या कम होना। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास हैं। आओ बच्चों आगे बढ़े। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है, उसी की वजह से जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो बच्चों, मानचित्र 6.5 देखें, इसमें आपको जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर दिख रही है। जहां नीला रंग है वहां पर वृद्धि दर काफी उच्च है, अति उच्च है, 3% या उससे अधिक, और जहां आपको संतरी रंग दिख रहा है वहां पर उच्च है। इस चित्र से आपको पता चलता है कि अफ्रीका व खाड़ी देशों में वार्षिक वृद्धि की प्राकृतिक दर अधिक है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे जनसंख्या संघटन की। जनसंख्या संघटन क्या होता है? बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको 6 व्यक्ति दिख रहे हैं। वे क्या क्या कह रहे हैं, आओ सुने। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? बच्चों, आप लोग बड़े होकर देश के लिए व समाज के लिए क्या उपयोगी काम करोगे? जब आप देश और समाज के लिए कुछ उपयोगी काम करोगे या अपना योगदान दोगे, तभी आप संसाधन कहलाओगे। तो बच्चों, देश के लिए आप एक संभाव्य संसाधन हो। आओ मैं आपको आगे ले चलूं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संघटन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संघटन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग की हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संघटन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है आयु जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। दूसरा, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जनसंख्या पिरामिड में बाएं तरफ पुरुष की प्रतिशत दर्शाया जाता है और दाहिने तरफ स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया जाता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है।
ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, क्योंकि 15 से 65 वर्ष के लोग कार्य करते हैं, पैसे कमाते हैं, आमदनी का स्रोत बनते हैं, जबकि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे विद्यालय जाते हैं, इनका काम पढ़ना लिखना होता है, जबकि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वृद्ध कहलाते हैं, वे कार्य करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 6.7 में आप देख सकते हैं। चित्र 6.8 में भारत का पिरामिड दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों की संख्या कम हो, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र 6.8 आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षत अधिक हैं, इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, क्योंकि बच्चों जहां युवा वर्ग अधिक होगा संख्या में, वहां पर काम करने वालों की संख्या अधिक होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगला है हमारा जापान का पिरामिड। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आओ हम अपना प्रश्न उत्तर वाला भाग शुरू करें। पहला प्रश्न, बच्चों प्रवास के प्रकार बताएं। उत्तर है आप्रवास व उत्प्रवास। अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? उत्तर है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अगला प्रश्न, आयु लिंग पिरामिड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जनसंख्या पिरामिड। अगला प्रश्न, कार्यरत आयु वर्ग कौन सा है? उत्तर है 15 से 65 वर्ष। अगला प्रश्न, किस देश का पिरामिड आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा है? उत्तर है केन्या। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम, घना। तो बच्चों, ये थे आपके विकल्प। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब ये रिक्त स्थान बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत रिक्त स्थान जलवायु, रिक्त स्थान संसाधनों की आपूर्ति और रिक्त स्थान जमीन आते हैं। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? घना, उसके बाद अनुकूल, उसके बाद प्राकृतिक और अंतिम उर्वर। तो आओ बच्चों आगे बढ़ें। बच्चों, मानव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है किसी उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जन्म दर से क्या तात्पर्य है? उत्तर है प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे सप्राण बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? उत्तर है 382। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मानव संसाधन के रूप में कैसे है,
व जनसंख्या वितरण, घनत्व, ये सभी आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मिलते हैं हम अगले नए पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।